वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इंसाइडर। दोस्तों, कंपनी ने बीते दिन कल यानी कि 28 जून 2023 को कंपनी ने एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और तीनों के तीनों पॉइंट जो है डिजिटल को लेकर के है। जो कंपनी की जो डिजिटल प्लान है उनके डिजिटल पिन को लेकर के है, डिजिटल जो रॉयल्टी जो दी जाती है रॉयल्टी इनकम उसको लेकर के बताई गई है और साथ ही साथ इसमें एक क्लब आईडी या क्लब एंट्री की बात कही है जिसमें कि कोई मैचिंग इनकम नहीं मिलेगी, है ना, ऐसा बताया गया है इन तीन पॉइंट्स में। तो इन तीनों पॉइंट्स को थोड़ा सा हम डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ के आपको जो है डिटेल में हम समझाने का प्रयास करते हैं। आई होप जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग्स है वो हम आपको क्लियर कर पाए। सो दोस्तों, कंपनी ने जो पहला पॉइंट में लिखा है साफ साफ इसमें लिखा है कि 1 जुलाई 2023 से लेकर जो डिजिटल पुल वॉलेट में जो भी आपका पुल बना होगा आप उनसे डिजिटल पिन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप डिजिटल पिन उससे ले सकते हैं और अपनी एक्टिवेशंस जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि डिजिटल पुल से आप डिजिटल पिन बना सकते हैं। ठीक है, ये 1 जुलाई 2023 से ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, पॉइंट नंबर 2 में कंपनी ने जो बताया है कि 28 जून 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 तक डिजिटल प्लान में नई रॉयल्टी मिलने वाले नए रैंक अचीवर्स को, जिसको कि नया रैंक मतलब रैंक मिला, नया जो है एक अचीव किया, जैसे कि आपकी रैंक अगर गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर वाला रैंक आपने अचीव कर लिया है ना, या फिर आप है ना मैनेजर थे, आपने सीनियर मैनेजर का रैंक अचीव कर लिया, तो उस केस में क्या होगा। इन्होंने बताया कि नेक्स्ट रैंक को अपडेट करने वालों को रॉयल्टी 6 महीने के अलावा जो 6 महीने रॉयल्टी मिलता उसे अपग्रेड करके जो है 2 साल के लिए उपलब्ध रहेगा, यानी कि 2 साल तक आपको एक्सटेंड करके रॉयल्टी आपको मिलेगा। इससे साफ साफ यही प्रतीत होता है जो इसमें लिखा गया है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, पॉइंट नंबर 3 में कंपनी ने साफ साफ इसमें जो लिखा है भाई मैचिंग इनकम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको मैं डिटेल में बताता हूँ अब क्यों नहीं मिलेगा, क्या है ये। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ। हाँ, देखिए पॉइंट नंबर 3 में कंपनी ने क्या लिखा है, 1 जुलाई 2023 से डिजिटल प्लान में ट्री फिल करके क्लब एंट्री के रूप में आईडी एक्टिवेशन करने वालों को क्लब एंट्री के रूप में मैचिंग इनकम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ इसको बहुत ही सिंपल सा शब्दों में। देखिए क्या होता है कि कंपनी ने यहाँ पे साफ साफ ये लिखा है कि भाई 1 जुलाई से जो डिजिटल प्लान के अंदर जो ट्री फिल होता है, ठीक है, ट्री कैसे होता है, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 16, 16 के नीचे 32, 32 के नीचे 64, है ना, 64 के नीचे 61, ऐसे इस तरह से जो चलते रहता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स है ना, 2, 2, 2, 2 नीचे चलते रहता है, 2 के 2, 2 के 2 ऐसे चलता रहता है ना, तो वो जो स्ट्रक्चर जब चलता है तो उसमें कंपनी ने बताया है कि अगर आप इस तरह से फिल करते हुए जाते हैं, जो कंपनी नीचे अभी बता रही है, अगर इस तरह से फिल होती है तो आपको मैचिंग इनकम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लब एंट्री क्या होता है ना, और क्लब आईडी क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ अब थोड़ा डिटेल में। मैं थोड़ा सा इसको जो है आगे बढ़ाता हूँ, अब आपको पूरा पूरा दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, वो स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ कंपनी ने जो है यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि भाई अगर आपकी आईडी के नीचे है ना, आपकी डिजिटल आईडी है, ये जो आईडी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आईडी आपकी डिजिटल आईडी, ठीक है, और उसके नीचे आपने जो है 2 आईडी लगाया, डिजिटल की सारी सारी डिजिटल आईडी लगे हुए हैं, 2 आईडी लगा, फिर उसके नीचे फिर आपने 4 लगा दिया, फिर उसके नीचे फिर आपने 8 लगा दिया, उसके नीचे 16 और उसके नीचे 32, ठीक है, इस तरह से 2, 4, 8, 16, 32 अगर ये 5 स्टेप्स अगर आप फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर वाले जो आईडी है, जो टॉप आईडी, ठीक है, जो हमारी टॉप आईडी है, इसे जो कंसीडर करेगी कंपनी वो क्लब आईडी को कंसीडर करेगी। ठीक है, ये आईडी आपकी क्लब आईडी हो जाएगी, समझिए बात को। तो ऊपर वाली जब आईडी क्लब आईडी बन जाएगा, यानी कि आपके जो है आईडी पे अब ट्रिमिंग लगेगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग के रूप में इन्होंने साफ साफ यहाँ बोल दिया भाई आपको कोई मैचिंग इनकम नहीं दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग मतलब यहाँ पे ऐसा लगाया है इन्होंने कि भाई आप अगर क्लब के अंदर आते हैं, क्लब आपकी अगर आईडी अगर क्लब आईडी बन जाता है तो आपको कोई मैचिंग इनकम दिया नहीं जाएगा।
ठीक है। पांच स्टेप्स में अगर आपने पूरा पूरा कंप्लीट किया है, ध्यान में रखिए यहाँ पे कंपनी ने ये नहीं बताया कि ये आपकी खुद की आईडी हो या किसी और की आईडी हो, ये कंसीडर नहीं किया है कंपनी ने। कंपनी ने बोला क्या भाई, सीधा सीधा ठीक है, अगर आपने क्या किया है ना, अपने नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ, आठ आठ के नीचे सोलह, सोलह के नीचे बत्तीस अगर आपने लगाया ठीक है, तो ये पांच स्टेप्स कंप्लीट हो गया ना। आप देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार और ये पांच, पांच स्टेप्स कंप्लीट हो गया। तो पांच स्टेप्स में जब कंप्लीट होते भी जाता है आईडी पूरा पूरा, कहीं भी कोई स्पेस नहीं रहता है, कोई भी रेड आईडी नहीं छूटता है, सारे सारी आईडी आप ग्रीन करते हुए ही आते हैं राइट, सारे सारे आईडी आप डिजिटली एक्टिव करते हुए ही आते हैं, पूरा फाइव स्टेप्स पूरा पूरा आईडी एक्टिव रहेगी। तो उस आईडी को जो ऊपर वाली आईडी होगी ठीक है, उस आईडी को कंसीडर करेगी क्लब आईडी, और क्लब आईडी के अंदर जो डिजिटल के अंदर, डिजिटल प्लान के अंदर जो क्लब आईडी का ट्रेनिंग लगाया है इन्होंने, सीधा सीधा बोला भाई मैचिंग इनकम नहीं मिलेगा, नो मैचिंग इनकम, क्लियर है ठीक है। तो ये जो है आपका लागू हो जाएगा, ये लागू 1 जुलाई 2023 से डिजिटल प्लान के अंदर इस तरह से जो भी ट्री फिल हो के आएगा तो इस तरह से लागू हो जाएगा। यानी पहले का प्लान, पहले जो कर रहे थे, जो पहले जो लगा के रखे हुए हैं, इट मीन्स उसको कोई इसका इफेक्ट इसका नहीं पड़ने वाला, उसका कोई असर देखने के लिए नहीं मिलेगा जो है। बाकी अभी यानी कि जुलाई 1 से ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखाया गया है जुलाई 1, 2023 से अगर इस तरह से ट्री फिल होते हुए जाता है ना, क्लब एंट्री के रूप में जाता है और आईडी इस तरह से एक्टिवेट करने वालों को जो है क्लब एंट्री में डाल दी देगी और उसको कोई मैचिंग इनकम नहीं मिलेगा, साफ साफ कंपनी ने मेंशन कर दिया। आप देख लीजिए भैया आपको कैसे काम करना है ठीक है, तो आप अपना बच के काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो फाइव स्टेप्स में मैचिंग हो, मतलब टोटल आप आईडी लगाते जाते हैं ना, दो के नीचे चार आठ सोलह, कोशिश कीजिए वहाँ पर कि कोई ना कोई आईडी आप कहीं ना कहीं गैप छोड़ दें है ना, कहीं ना कहीं एक गैप छोड़ दें, और ताकि आपका जो है वो सेफ रहे आईडी, ऊपर वाली आईडी मतलब मैचिंग इनकम आपको मिलता रहे है ना, आपका ऊपर इनकम जाए ठीक है। इसलिए आपको क्या करना, फाइव स्टेप्स को कभी भी कंप्लीट करके नहीं चलना, अगर अभी आप, अगर आप डिजिटल प्लान के अंदर आप काम आपको अभी करना है तो ओके। तो कहीं कहीं एक चौथे स्टेप्स में कितना है, सोलो आईडी लगना है, तो सोलो आईडी के बजाय चौथे स्टेप्स में मान लेते हैं कि 13 आईडी ही लगा या 14 आईडी लगा या 15 आईडी लगा, सोलो सोलो नहीं लगाना है आपको ठीक है, ध्यान में रखिए ये 32 है ठीक है। मान लेते हैं अगर 16 ऊपर कंप्लीट भी हो गया है ठीक है, ऊपर 16 अगर कंप्लीट भी हो गया, दो चार आठ 16 अलग लग भी गया, तो नीचे फिफ्थ स्टेप में छोड़ दीजिए, 32 आईडी लगना है भाई, एक 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 आईडी एक इस जो है छोड़ दीजिए एक दो ठीक है। तो इस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, इजी है, कोई इशू नहीं है। बाकी जो सेटर्स होंगे उनको परेशानी होगा, बाकी जो रियल तरीके से काम कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, उसको ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए। आपका क्या राय है कंपनी का जो अपडेट है उसको लेकर के, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना। आशा करता हूँ ये छोटा सी इन्फॉर्मेशन पसंद आया और हमारी वीडियो को इसी तरह से आप प्यार देते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।